अतिथिगण, मेरे प्यारे सारे युवा साथी, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के आप सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप बधाई लेते लेते थक गए लगते हो, हैं? बधाई ज्यादा हो गई ना? कम है? ज्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? अजय, यहाँ आते समय मास्टर जी ने कहा होगा वहां बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, हाथ पर नहीं हिलाना, ऐसा बोला होगा? हाँ, ये गड़बड़ है। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब क्या, मौसम अच्छा लग रहा है? राष्ट्रपति भवन देखा हो रहा? और आज क्या देख रहे हैं? पेड़ पौधे। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार दिल्ली आए? अच्छा, बाकी सब बार बार आ चुके हैं, हैं? तो सब परिचित है। ये जो पीछे लोग हैं उनको लिए सवाल नहीं है मेरे, ये सब बच्चों के लिए, वरना प्रॉम्प्टिंग पीछे से हो रहा है। वैसे दिल्ली आने का अपना ही एक उत्साह होता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको जरा जल्दी जाने का मूड करता होगा घर जाने का। नहीं सर, नहीं। देखिए, पक्का आपको मन करता होगा जल्दी घर जाएं, क्या क्या हुआ दोस्तों को बताएं, फोटो दिखाएं, अपना अवार्ड दिखाएं, दिल्ली के अनुभव सुनाएं, दिल्ली की ठंड कैसी है वो बताएं, ऐसा मन करता है ना? किसी का भी करता है जी, अपने साथियों को अपनी अच्छी अच्छी बातें बताने का मन हर किसी को करता है, आपको नहीं करता है? देखिए, पूरी यात्रा की ढेर सारी कहानियां होगी जो आप सुनाना चाहते होंगे। आज भले न कहते हो, लेकिन आपको मन करता है पहले जाकर के दादी जी को तो ये कहना ही कहना है, ऐसा मन करता होगा। और कुछ लोग होंगे जो घर जाके कहेंगे, देखो आप मुझे मना कर रहे थे, अब पता चला ना मैं अच्छा अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए अवार्ड लेके आया। तब आप लोग घर में जाकर के मम्मी पापा को डांटोगे? बताओगे, हाँ हाँ देखो हमारे पास फोटो है राष्ट्रपति जी के साथ, हम अवार्ड लेके आए हैं, ऐसा करोगे ना? नहीं, नहीं करोगे? ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, छुपा करके करना है, चोरी छुपी से करना, करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। ये क्या बचपन खो दिया है आप लोगों ने? अरे बचपन तो बचा रहना चाहिए, आपका बचपन खो गया है। जिसको ये मन न करे कि मम्मी पापा को जा करके ये बताऊंगा, ये कहूंगा, उनको ये सुनाऊंगा, तो फिर को आपने बचपन खो दिया अपना। हाँ, तो फिर भी मन करेगा बताने का, हैं? तो आपको अलग खुला नहीं छोड़ते हैं मम्मी पापा, पीछे लगे रहते हैं, उनको भरोसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे, हैं? ऐसा ऐसा लग रहा है ना? अगली बार बताइए उनको कि मुझे अकेले कहीं जाने दो। देखिए, थोड़ी देर पहले आप सभी को जब परिचय हो रहा था तो मैं सचमुच में बहुत हैरान था, इतनी कम आयु में जिस प्रकार से आप सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ न कुछ करके दिखाया है, कोई प्रयास किए है, कोई काम किया है, आपको तो समाधान होगा ही होगा, लेकिन आज के बाद आपको कुछ और करने का मन कर जाएगा, और अधिक अच्छा करने का इरादा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये सारे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आखिरी मुकाम नहीं होता है,
एक प्रकार से ये बिगिनिंग होता है, जब कोई रिकग्नाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है। और आपने मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिखाया, आप में से कुछ वीर बालक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गंभीर बीमारियों से लोगों को बाहर निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कई नए नए इनोवेशन किए, किसी ने आर्ट एंड कल्चर में, किसी ने स्पोर्ट्स में, तो किसी ने शिक्षा साहित्य में, तो किसी ने समाज सेवा में, विविधताओं से भरा हुआ आपका योगदान रहा है। आप अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी, आपने देखा होगा मैंने लाल किले से एक बात कही थी, कुछ याद है किसी को? लाल किले से कुछ कहा था याद है? बहुत कुछ कहा था, कुछ भी कहोगे तो सच निकलेगा। एक बात मैंने कही थी, कर्तव्य पर बल, ज्यादातर हम अधिकार पर बल देते हैं। अब देश की आजादी को 75 साल होने रहे हैं, तो कब तक कर्तव्य पर बल देंगे, अधिकार पर बल देते रहेंगे? अब कर्तव्य पर बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, सब लोग नहीं बता रहे। ड्यूटी को प्राथमिकता है कि राइट्स को प्राथमिकता? ड्यूटी। पक्का? yes, सब सहमत हैं? yes, चलिए, हम आज एक कानून पास कर दिया। देखिए, आप अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी से और उसके लिए जिस प्रकार से जागरूक है, ये सिर्फ आपके माता पिता को नहीं, आपके परिवारजनों के लिए, जो भी आपके बारे में जानेगा उन सबको गर्व होगा, उनको पक्का गर्व होगा। देखिए, मैं एक काम करूंगा, आप सबकी फोटो के साथ मैं आज आपकी जो स्टोरी है उसको मैं सोशल मीडिया में दुनिया से शेयर करूंगा। हर इंडिविजुअल को, कैसे आपने किया है, क्या, कहां से आए हैं, कैसा रहा है, मैं लिखूंगा उसमें। लेकिन कुछ गलती हो जाए तो फिर आप नाराज मत हो जाना, हैं? क्योंकि कभी कभी जानकारियों में गलती हो जाती है। देखिए दोस्तों, आप सब कहने को तो बहुत छोटी आयु के हैं, कम आयु के हैं, लेकिन आपको पता है आपने जो काम किया है उसको करने की बात छोड़ दीजिए, सोचने में भी बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते होंगे। आप में से जिन्होंने इनोवेशन किया होगा, जब अपने टीचर को बताऊंगा तो टीचर भी कहता है तुम मत, मेरा परेशान मत कर, तुम जाओ। उनका दिमाग खपाते होंगे तो टीचर भी नाराज हो जाते होंगे, उनको लगता होगा ये बच्चा इतना ब्राइट है, ये मेरे पल्ले कैसे पड़ गया, मुझे पढ़ाता है, ऐसा होता है ना? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आप अपने सभी फ्रेंड्स और टीचर्स को जरूर बताइएगा, मैं आप सभी युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में जब भी सुनता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, आपसे मैं भी कुछ सीखता हूं। अभी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि आप इतना काम करते हैं तो मां की याद नहीं आती है? याद करता हूं तो सब थकान उतर जाती है। साथियों, आप जैसे बच्चों के भीतर छुपी इस प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये राष्ट्रीय पुरस्कारों का दायरा बढ़ाया गया है, और ये सिर्फ आपको पुरस्कार मिल रहा है ऐसा नहीं है, इस अवसर के कारण देश भर के बच्चों का इन चीजों पर ध्यान जाता है, एक प्रकार से आप उनके लिए हीरो बन जाते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ कोई बच्चा होगा, लद्दाख में बैठा हुआ बच्चा होगा, नागालैंड में बैठा हुआ बच्चा होगा, वो केरल के किसी बच्चे की कथा सुनेगा तो उसको लगेगा, अच्छा हमारे देश के बालक ऐसा कर रहे हैं,
यह अपने आप में कई गुना इसका प्रभाव पैदा होता है, इसकी तरंगे चलती रहती हैं, वेव्स लगातार नीचे प्रभावित करते रहते हैं, और इसलिए इन चीजों की तरफ, इन घटनाओं को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसका अपना एक महत्व है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब नाम हो जाए, अखबार में तस्वीर छप जाए, तो फिर हम भी जमीन से 2-3 फीट ऊपर चलते हैं ना, फिर पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना। फिर घर में भी देखिए, मुझे कोई काम मत होता है, मैं नेशनल अवार्ड लेके आया, ऐसा होता है ना। तो क्या है, ऐसा करोगे आप लोग? नहीं सर। पैर जमीन पे रखोगे? जी सर। अधिकतम लोगों के जीवन में दो पड़ाव आते हैं, एक सहज भाव से अच्छा करता चला जाता है, और जब कहीं रिकग्नाइज हो जाता है, फिर जाने अनजाने में हवा भर जाती है, और फिर वो उसी में रहता है, आगे कुछ नया नहीं कर पाता है, उसको लगता है बस हो गया, फोटो छप गई, दिल्ली हो आया, राष्ट्रपति भवन हो आया, अब क्या है, जिंदगी में सब हो गया, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं, अगर कुछ किया, किसे कहीं रिकग्नाइज हुआ, तो उसी को वो अपनी प्रेरणा बना देते हैं, उसी को अपनी प्रतिज्ञा बना देते हैं, उसी में से पुरुषार्थ करने के रास्ते खोजते रहते हैं, और वे नई नई चीजों को हासिल करने के लिए रुकते नहीं, थकते नहीं। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में वो दूसरे प्रकार के आदतों को घुसने ही मत देना। अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं, ऐसा ही मान के जाइए, ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है, ये अगर जज्बा लेकर के जाते हैं, तो आप देखिए, आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बताइए, पहले रास्ते पर जाएंगे कि दूसरे? अच्छा, पहले पर जाएंगे, इतने हाथ ऊपर किए, कितने लोग हैं जो पहले रास्ते पर जाएंगे? अच्छा, ये बताइए, जो दूसरे रास्ते पर जाएंगे वो कौन है? इसका मतलब आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा था कि एक रास्ता वो होता है जो पहला रास्ता, कि जिसमें इसको आप अंतिम नहीं मानते हैं, इसको आप शुरुआत मानते हैं, आपके पैर जमीन से उखड़ नहीं जाते हैं, आप हवा में उड़ने नहीं लगते हैं, और कुछ और अधिक करने का संकल्प करते हैं, ये पहला रास्ता है। दूसरा, यह बहुत हो चुका, अब फोटो छप गई, टीवी में आ गए, अब क्या करना है, सो जाओ। तो बताइए, पहला रास्ता कि दूसरा? पक्का? देखिए, पहले गलती की थी ना। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप में से कौन इतने लोग हैं जिनको दिन में 4 बार, याद कीजिए, डेली 4 बार पसीना आता है, भरपूर पसीना आता है, पूरा पसीना पसीना शरीर हो जाता है, ऐसे कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जिसको 4 बार दिन में 4 बार पूरा पसीना निकलता है, से कितने है? कैसे निकलता है? धूप में खड़े रहते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज में, और कोई? पसीना ही पसीना हो जाता है। अच्छा, देखिए, एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिसको दिन में 4 बार पसीना नहीं आए, ऐसा एक भी बालक नहीं होना चाहिए। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था,
आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पानी पीते हैं तो खड़े खड़े पीते हैं, बैठ करके नहीं पीते? ऐसे कितने लोग हैं? देखिए, पानी जब पीते हैं तो बैठ करके पीजिए, छोटी चीज है लेकिन आपको जाकर के उसका शास्त्र कोई समझाएगा, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन करेंगे ये। अच्छा, आप में से कितने हैं जो पानी दवाई की तरह पीते हैं? कुछ लोग होंगे जो पानी जूस की तरह पीते होंगे, पानी का भी आनंद लेते होंगे, कुछ लोग होते होंगे दवाई की तरह। आप कितने हैं जो पानी को पानी का मजा लेते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं? नहीं करते होंगे। आप कोशिश कीजिए, पानी का टेस्ट होता है वो शरीर को बहुत फायदा करता है, आप उसको एंजॉय कीजिए। दवाई की तरह ऐसे पानी लगा दिया ऐसा मत कीजिए। करेंगे? आप कहेंगे को क्या फायदा, माँ तो कह रही है पढ़ाई करो और मैं 5 मिनट तक पानी पी रहा हूं, तो झगड़ा हो जाएगा ना। कभी कभी माँ दूध लेकर के आती है, माँ को काम है, टीवी सीरियल चल रहा है, तो माँ कहती है चल जल्दी दूध पी ले, और आप भी दूध भी दवाई की तरह पी जाते हो क्योंकि माँ को सीरियल देखने बैठना है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, हैं हैं कौन सी सास भी कभी बहुत ही। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने बचपन में शरीर को जो आदतें डाली होती हैं वो जीवन भर काम आती है, और मन में वो एकदम से फिट बैठ जाता है। आपको मालूम है देश में एक अभियान चल रहा है फिट इंडिया, पता है कितनों को मालूम है? तो फिट इंडिया के लिए किस दर्जी के पास जाते हो, किस टेलर के पास जाते हो, है? कौन फिट इंडिया के लिए ट्रेलर के पास कौन जाता है? तो क्या करते हैं फिट इंडिया के लिए, कोई बताएगा? हैं? नहीं, क्या करते हैं? एक्सरसाइज कहने से थोड़ा होता है, कोई कहेगा मैं सूर्य नमस्कार करता हूं, कोई कहता है मैं साइकिलिंग करता हूं, कोई कहता है मैं स्विमिंग करता हूं, क्या करते हैं? योगा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं फटाफट पैर पर चढ़ जाते हैं फिर उतर जाते हैं, घर वालों को चिल्लाना पड़े नीचे उतरो नीचे उतरो, ऐसे कितने लोग हैं? देखिए, साहस ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। यहां पैर रखूंगा तो गिर जाऊंगा, तो ये करूंगा, तो ऐसे जिंदगी नहीं जीते। साहस के बिना जीवन संभव नहीं है। और छोटी छोटी चीजों का साहस करने की आदत बनाओगे तो आगे चल करके वो भी बहुत काम आएगा। और आप जैसे लोग जब करेंगे ना तो बाकी 50 लोग देखेंगे, अरे देखो ये भी करता है, इतना अवार्ड लेके आया फिर भी इतनी मेहनत करता है, इतना मान सम्मान लेकर के आया लेकिन देखियो ये काम कर रहा है, तो क्या होगा, बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। करोगे? पक्का करोगे? तो कल परसों 26 जनवरी की तैयारी है, तो सिखाया गया होगा ऐसे ऐसे करो, दाहिने हाथ से करना है कि बाएं हाथ से, ये नहीं बताया है, जिस तरफ लोग होंगे उस तरफ करना है, है? अच्छा, हम तो होंगे तो ये 5 मीटर 10 मीटर तक ही होंगे, बात में तो बहुत भीड़ होती है। अच्छा, दोनों ऐसा ऐसा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग एंजॉय कीजिए और दिल्ली में बहुत कुछ देखिए, अलग अलग जगह पे जाइए, लाल किले में आपको मालूम होगा नेताजी सुभाष बाबू को लेकर के, क्रांतिकारियों को लेकर के बहुत अच्छा म्यूजियम बना है, देखेंगे आप लोग, देख के आए, ले जाने वाले हैं? कल है पक्का। अच्छा, वॉर मेमोरियल देखा?
हैं? नहीं देखा। देखिए वॉर मेमोरियल देखने के लिए जाना चाहिए, और अपने राज्य का कोई एकांत भी जो वीर शहीद हुआ होगा उसका नाम पढ़ करके लिख करके ले जाना अपने घर में, हैं? अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसकी फ़ोटो निकाल के ले जाना, देखिए कर्नाटक के ये वीर शहीद का नाम है, उसका फ़ोटो लेके जाना चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए, देखिए हमारे कर्नाटक के भी शहीद का नाम वहाँ वॉर मेमोरियल में है। हर एक को अपने अपने राज्य का ढूंढना चाहिए, ऐसे ही देख के नहीं आना चाहिए, वो जो नाम लिखे हैं ना उनके प्रति गर्व होना चाहिए। यहाँ एक पुलिस मेमोरियल बना है, देखने जाओगे? जाओगे? आपको मालूम है इस देश में 33,000 से ज़्यादा पुलिस, कभी कभी लोग पुलिस से नफरत कहते हैं ना, पुलिस वाला कहते हैं चलो इधर चलो साइकिल यहाँ मत रखो, तो गुस्सा आता है ना। 33,000 पुलिस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं आज़ादी के बाद, आंकड़ा बहुत बड़ा है ना, 33,000। उस पुलिस के प्रति आदर का गौरव का भाव बनना चाहिए। देखिए समाज जीवन में एक बदलाव शुरू हो जाएगा, पुलिस मेमोरियल देखोगे ना तो आपको लगेगा ये ऐसा काम होता है, ऐसे करते हैं, करोगे? पक्का करोगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं।